अगर छोटा बच्चा फौत हो जाए तो उसको क्या इसाले स्वाब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? याद रखें, इसाले स्वाब दो कामों के लिए किया जाता है, एक तो किसी के दर्जात की बुलंदी के लिए, दूसरा किसी के गुनाहों की बख्शिश के लिए। अगर कोई अल्लाह का बहुत ज्यादा नेक बंदा है, अंबिया अलैहिस्सलाम है, तो उनके लिए हम दुआ करते हैं, जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए हम वसीले की दुआ करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, तो ये हुजूर के दर्जात की बुलंदी के लिए है। और अगर वो गुनाहगार है तो उसके गुनाहों की माफी के लिए है, आमतुल मोमिनीन है। तेरा छोटे बच्चे इसलिए जब इनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो मगफरत के लिए नहीं, शफात के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको अपने वालदैन की शफात करने की तौफीक अता फरमा। तो ये छोटे बच्चे के लिए अगर आपने इसाले सवाब करना है तो उसके लिए ये है कि आप इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, क्योंकि वो गुनाहों से तो पाक है, यानी वो खताओं से अल्लाह पाक ने उन्हें पाक रखा हुआ है, वो खता का उनका सिलसिला नहीं है, इसलिए उनके लिए अगर आपने इस सारे सवाब करना है छोटे बच्चों के लिए तो उसका तरीका कार यही है कि उनके लिए कुरान पढ़ें जितना भी पढ़ सकते हैं और उनके दर्जात को दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, क्योंकि ये छोटे बच्चे जब फौत हो जाते हैं तो हदीस शरीफ में आता है कि ये वालिदैन के लिए शफात का जरिया है। अगर किसी के दो बच्चे फौत हो जाए तो ये उनके लिए क्यामत वाले दिन उनकी शफात का जरिया उनके लिए काफी हो जाएंगे, तो ये वालिदैन की शफात का जरिया है। इसलिए जब आप इनके लिए सारे स्वाब करें तो इनके दर्जात की बुलंदी के लिए सारे स्वाब किया जाता है। इस सारे स्वाब का लिए इनके लिए करना जायज है, लेकिन मसला जो मैंने बयान कर दिया कि एक के गुनाहों की बख्शिश के लिए होता है और दूसरे के दर्जात की बुलंदी के लिए होता है, तो छोटे बच्चों के लिए के दर्जात की बुलंदी के लिए आप जिस कदर भी इस सारे स्वाब करना चाहें कर सकते।